नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से पॉडकास्ट में एक नए अफसाने और एक नए म्यूजिक डायरेक्टर के कुछ बातें और उनके कुछ कहानियां लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे कि हम लोग ने नौशाद जी के ऊपर पहले कुछ एपिसोड किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये इतना बड़ा महासागर है हमारे फिल्म जगत के, जो इतने बड़े बड़े जो दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स जो इन्होंने अपने हमारे इतने अच्छे अच्छे मूर्तियाँ हमको पिरो के दिया है, तो एक बार में तो सबको कैच करना मुमकिन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग नौशाद जी का के ऊपर जो हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड थे वो उसको और आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत लोगों की फरमाइश आई है कि नौशाद जी के बारे में भी वो और कुछ जानना चाहते हैं, उनके गीतों के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में और उनके पीछे की कहानियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप आज पॉडकास्ट में चलिए आगे बढ़ते हो। हाँ, मेनी मेनी थैंक्स, आदाब, तस्लीम रूमी जी को बहुत बहुत तस्लीम इस बात का कि मेरा बहुत ही फेवरेट कंपोजर है नौशाद अली सर। ये बताना है, आप एक मजा देख लीजिए, हम गाने से पहले बोलेंगे कि हमें याद आता है कि एक फिल्म था कोहिनूर, उसमें रफी साहब ने गाया था एक राग हमीर में गाना, मधुबन मेरा अधिकार नाचे रे, मधुबन में राधिकार नाचे रे, गिरधर में मुरलियां बज रे। ये गाने में मजा ये था कि गाने का जो लिरिसिस्ट थी, मतलब जो शायर था, वो था शकील बदायनी साहब, जो एक मुस्लिम थे। जिन्होंने गाना बनाया है नौशाद अली साहब, वो भी एक मुस्लिम थे। गाना जो गाया था मोहम्मद रफी साहब, वो भी मुस्लिम थे। और गाने में जो लिख दिया उस फिल्म में कोहिनूर में, वो दिलीप कुमार साहब, उसका हीरोइन थी मीना कुमारी जी, दोनों ही मुस्लिम थे। और ये गाना बज रहा है और गाने का बोल देखिए, मधुबन में राधिका नाचे रे, श्री कृष्ण जी और उसके साथ राधा जी का नाम आया है। तो इसमें यही लगता है कि हमारा वो जय श्री कृष्ण हिंदी देवनागरी स्ट्रीट में, मतलब वो जो गाना है, पग में घुंघरू बांध के आ, पग में घुंघरू बांध के, एक भी उर्दू शब्द नहीं है उसमें। और वो श्री कृष्ण जी राधा जी, हमें लगता है ये किसी कौम के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, सारे दुनिया का वो भगवान है। तो अभी मैं रूमी जी को माइक्रोफोन देता हूँ। ये जो गाना है, ये लीडर फिल्म का गाना, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर था, बहुत हॉट प्लेयर था दिलीप कुमार जी और वैजयंती माला जी। फिल्म कब लगता था हॉल में तो वहां से वो उठता नहीं था, कभी मधुमती, कभी गंगा जमुना, कभी लीडर। तो मैं लाइन देता हूँ, माइक्रोफोन देता हूँ रूमी जी को, वो इंसाफ करेगी। जी, इसी का नाम है कि किस तरीके से सब एकजुट होकर काम करते थे, उसमें कोई भाषा, कोई कोई भी अलग अलग समाज से आए हुए लोगों का उसका कोई तात्पर्य नहीं होता था। काम तो काम है भाई, काम तो आराधना है, चाहे वो आप किसी भी धर्म में हो या किसी भी, ईश्वर का एक दान है। Thank you.
समझ ले।